हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं दाल मखनी। तो चलिए हम देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। एक बोल में हम साबुत काली उड़द दाल ले लेंगे, लगभग 1 कप। 1/4 कप हम लाल राजमा ले लेंगे। इसको आप अच्छे से धो लें और इसमें आप डाल दीजिए 4 कप पानी और भिगो के रखिए 7 से 8 घंटे तक। भिगोए हुए दाल को हम एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे 4 कप पानी और फिर हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। इसे अच्छे से मिला देंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन डालने के बाद हम इसे 7 से 8 सीटी तक पकाएंगे, जब तक दाल बॉयल ना हो जाए। एक मिक्सर जार में 4 बड़े टमेटोज ले लिए मैंने, उसे मैंने कर लिया अच्छे से पेस्ट। इसमें मैं डाल दे रही हूँ जो हमने स्टोर से खरीदा हुआ टमेटो प्योरी। इसे हम मिक्स कर लेंगे। आप टमेटो सॉस भी यूज कर सकते हैं। अभी एक कढ़ाई में हम डालेंगे 2 चम्मच लगभग मक्खन। मक्खन जब पूरी तरह से पिघल जाए हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। गैस आप लो पे ही रखिएगा। पेस्ट को हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे, जब तक से उसका जो कच्ची बू है वो ना चले जाए। पेस्ट पक चुका है। अभी हम डाल देंगे हमारा टमेटो मिक्सचर जो हमने पहले से बना के रखा है। इसे हम अच्छे से मिला देंगे। अभी हम डालेंगे लगभग 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच शक्कर और उसे भी मिक्स कर लेंगे। अभी मसाला डालने का वक्त आ चुका है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आप ज्यादा कम भी कर सकते हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर और लगभग 1 चम्मच जीरा पाउडर। इसे हम ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे और ढक के पकाएंगे, जब तक तेल ऊपर ना आ जाए। हम ढक्कन हटा लेंगे। मसाला पक चुका है, आप देख सकते हैं। अभी हम डालेंगे इसमें अपने उबले हुए दाल। आप दाल को पहले से मैश करके रख सकते हैं, तो फिर मसाला अच्छे से उसके साथ मिल जाएगा। इसे हमें मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच बटर और 1 चम्मच गरम मसाला। अगर आपको नहीं डालना है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, पर बटर अच्छा स्वाद लाता है इस ग्रेवी में। ढक के पका के हम जब ढक्कन उठा लेते हैं तब हमारा मसाला रेडी है। और अभी हमको डालना है इसमें फ्रेश क्रीम। हमने यहाँ पे फ्रेश क्रीम को अच्छे से विस्क कर लिया है। इसको हम दाल में डाल के अच्छे से मिला लेंगे लो हीट पे। यहाँ पे मैंने 1 कप क्रीम लिया है। अब देख सकते हैं मेरा दाल क्रीम के साथ कितना अच्छे से घुल चुका है। अभी हम ढक के और 15 मिनट इसको पका लेंगे। हमारा दाल मखनी अभी रेडी है। मैंने इसे परोस लिया है। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें।